जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो पूरे समाज को, मानवतावादी समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आज संविधान दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। साथियों, आज का जो दिन है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बहुजन समाज के लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए और नारियों के लिए, महिलाओं के लिए। मुक्ति दिवस है आज, क्योंकि आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान सौंपा था। लेकिन साथियों, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आज ये संविधान अपने दुश्मनों के हाथ में सौंप रहा हूं, हो सकता है ये संविधान अच्छा साबित ना हो सके, क्योंकि संविधान इंप्लीमेंट करने वालों की नियत पर निर्भर करता है। अगर वो लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा, अगर वो लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। साथियों, और आज वही हो रहा। साथियों, आज की जो मनुवादी सरकारें हैं, आज की जो ग्रामीणिकल सिस्टम की सरकारें हैं, ये संविधान से पता नहीं क्यों रुष्ट रहती हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों के लिए, सभी जातीय, सभी समुदाय के लिए, हर हर एक आदमी के लिए, खेत खलियानों के लिए, पहाड़ों के लिए इतना सुंदर संविधान बनाया, जानवरों की भी जिसमें रक्षा की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा है कि हम भारत के लोग, आज तक देश को आजाद हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन हम लोग इस भारत के नागरिक नहीं बन पाए। कभी हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कभी सिख और ईसाई में बांट दिया, कभी किसी मजहब में, कभी किसी मजहब में, कभी किसी जाति में, कभी किसी समुदाय में, कभी क्षेत्रवाद में। ये सब इस देश की घटिया और संकीर्ण मानसिकता की राजनीति ने किया। साथियों, और साथियों, आज जो देश के हालात हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क है, देश में कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क है, और मैं तो कहूंगा कि देश के सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च न्यायालयों को भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया। साथियों, आज देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली की तरह इस मनुवादी सरकार के उंगलियों पे नाचती है। साथियों, अगर हमें संविधान को बचाना है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है साथियों, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। साथियों, क्योंकि बिना लड़े और बिना पढ़े ये लड़ाई हम लोग जीत नहीं सकते। हम ये लड़ाई किसी हथियार से नहीं जीत सकते। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया कि कलम वो ताकत है, शिक्षा वो ताकत है, जिसके आधार पर हम लोग इस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। साथियों, तो साथियों, पूरे समाज को एक संदेश देना आज, सभी लोगों को, सभी चीजों से ऊपर उठ के, कि इस देश को, इस सम्राट अशोक के महान अखंड भारत को, जब यह जम्बू द्वीप होता था, दोबारा विश्व गुरु बनाना है तो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे साथियों में चलना होगा, संविधान को बचाना होगा। और आज हमें कसम खानी होगी कि हम लोग प्रत्येक बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, जितने भी लोग हैं या जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, आज कसम खानी पड़ेगी उन लोगों को कि हम लोग इस असंवैधानिक तरीके से जो देश में सरकारें चल रही हैं, इनका अपने अपने तरीके से विरोध जताते रहेंगे और देश के लोगों के ह्यूमन राइट्स के साथ, उनकी ड्यूटीज के साथ, और देश के मूल जो संविधान में बसते हैं, आत्मा, सोल ऑफ नेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आत्मा है इस भारतवर्ष की, इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लोग जो है इसकी रक्षा करेंगे। और मैं तमाम बहुजन के लोगों को आज संदेश देता हूं, अगर आप लोग अम्बेडकर को मानते हैं, अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर में भरोसा रखते हैं, अगर आप लोग मानते हैं कि इस आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और आप मानते हैं कि उनके मिशन और मूवमेंट को मानने वाले साहब श्री काशीराम जी ने पूरे देश में अलग जगह साइकिल यात्राएं की, बहुजनों को जगह, मेले लगाए, फूले, पेरियार मेला,
बहुत सारी चीजें ऐसी की साहब कांशीराम ने जिससे विचारधारा जनमिनी स्तर पर गई। और साथियों, एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का निर्माण माननीय साहब श्री कांशीराम जी ने किया। आज बहुत सारे लोग माननीय बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो अपनी गिरेबान में जाकर नहीं देखते कि इस देश की जब महिलाएं घर से बाहर निकलना तक नहीं समझती थी, जब बहन जी ने अपना सब कुछ घर बार छोड़ के इस बहुजन आंदोलन में, इस बहुजन मुक्ति आंदोलन में अपना योगदान शुरू किया और आजीवन पूरा जीवन बहन जी ने इसी मूवमेंट में लगा दिया। उनके भाई आनंद जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया में गलत बातें प्रचारित की जाती हैं। हमारे युवा नेता आकाश आनंद जी पर आरोप लगाए जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद फलाना ढिकड़ा, कांग्रेस और भाजपा के लोग कहते हैं जो प्रचलित जो दलाल छोड़ रखे दूसरी पार्टियों ने हमारे समाज के बीच, वो कहते हैं कि बसपा में फलाने का प्रतिनिधित्व नहीं है, ढिकड़े का नहीं है। माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई और चारों सरकारों में हर वर्ग का व्यक्ति, किसान, मजदूर, दबा कुचला, शोषित समाज खुशहाल रहा। और पूरा लखनऊ ऐसा था कि जैसे इंग्लैंड हो, रात को भी महिलाएं किसी भी समय बाहर जा सकती थी। साथियों, तो बहुजन समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे उपद्रव मचाते हैं, जो गलत मैसेज फैलाते हैं, इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सारे के सारे समाज के दलाल हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है समाज के अपलिफ्टमेंट से, इनको कोई लेना देना नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर से, इनको कोई लेना देना नहीं है वाल्मीकि जी से, इनको कोई लेना देना नहीं रविदास महाराज से, इनको कोई लेना देना नहीं है कबीर साहब से। ये लोग सिर्फ नौकरी करते हैं इन राजनीतिक पार्टियों में। साथियों, तो साथियों आज का दिन बहुत ही मंगलमय शुभ दिन है और आज ही हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, बहुजन समाज के लोगों के पैरों की बेड़ियों को तोड़ा और इस मनुवादी व्यवस्था को इस देश से जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। साथियों, आज हम लोग इतने सारी संख्या में हैं, हम करोड़ों लोगों का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा किया संविधान ला करके, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज करोड़ों की संख्या में उसके अनुयायी है, आज करोड़ों की संख्या में अम्बेडकर को मानने वाले हैं, लेकिन वो एक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कोई वजह होगी। साथियों, वो उनका व्यक्तिगत लालच है और व्यक्तिगत लालच आदमी को, समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो व्यक्तिगत लालच को छोड़ करके सर्व समाज का, बहुजन समाज का जो भी व्यक्ति संविधान में भरोसा रखता है, उसके हक और अधिकारों के लिए हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। आओ हम लोग आज शपथ लेते हैं कि हम लोग जब तक जिंदा हैं बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के लिए हर तरह का भरसक प्रयास करेंगे। साथियों, और मैंने चार लाइनें लिखी थी। साथियों, जब हम दिल्ली सरकार में मंत्री थे तो हमने लिखा था, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है। आज ये बदलाव का समय है। आप सारे लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नव बुद्धाएं।